Assalamualaikum, welcome back to my channel. You are watching Farzana Batul videos and this is Farzana Batul. अभी हम लोग जा रहे हैं ताजमहल टांगे पे है, जो टांगा हमने सिर्फ बसंती के साथ देखा था दोस्त. हाँ दोस्तों, यही वो टांगा है जो बसंती चलाया करती थी शोले पिक्चर. आप लोगों ने सही पकड़ा, सही पकड़े. हमारा टांगा भी ऐसे ही दिखता है कुछ. ये है ताजमहल, जहाँ पे मेरे फोन को क्या हो गया है, मैंने यहाँ एक पिन भी लगाया है. तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से आए हैं ताजमहल, जो कि मुगलों ने बनाया था और हमारे लिए ये एक विरासत है कह सकते हैं. हमारे लिए इट्स समथिंग कि ट्रेजर यू नो, ट्रेजर कहते हैं ना, जो इन गोरे लोगों को फिर से झुका रहे. इन द सेंस ये लोग आते हैं यहाँ देख रहे हैं इस चीज़ को, जस्ट बिकॉज वी हैव दिस, दे डोंट हैव दिस. इतने साल इन्होंने हम पे राज किया, ये वो वगैरह वगैरह, बट आज इनसे हम लोग शायद थोड़ा बहुत इस ताजमहल के ज़रिए वापस ले सकते हैं, ले रहे हैं. लाइक जैसे हमारे एंट्री के लिए 50 rupees है, अगर आप ऑनलाइन लोगे तीन जनों के लिए 132 होगा, पर आप अगर ऑफलाइन लोगे तो 150 हो जाएगा. इन लोगों के लिए 2000-1300 और समथिंग इन द एंट्री चार्ज है यहाँ पे, वैसे ही कुछ है. बाकी ताजमहल की हिस्ट्री मैं और भी थोड़ी सी आपको इसी वीडियो में आगे जाके मैं बताऊँगी. फिलहाल मेरे दुपट्टे का हालत बहुत ख़राब हो गया और मेरा भी, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ कर सुबह सुबह आया है, अभी भी कोहरा ही कोहरा, धुंध ही धुंध है यहाँ पे. सो अभी आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में. इस वीडियो में आप लोगों को ताजमहल के बारे में और भी चीज़ें मैं ज़रूर बताऊँगा. जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे अरबिक में लिखा हुआ है कुछ चीज़ें. सो ये एक आयत है, आयत अल कुर्सी. एक ये बड़ा वाले एंट्रेंस पे है, मींस बाहर भी लिखा हुआ है और अंदर भी जो छोटा गेट है, एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, उस पर भी लिखा हुआ है. जैसे आप देख सकते हैं कितना अच्छा आर्किटेक्ट है, कारीगरी है, उस टाइम में ऐसा बनाया है मुगलों ने. आज के वीडियो में इसलिए बता रही हूँ मुगलों के बारे में, ताजमहल के बारे में थोड़ी बहुत हिस्ट्री, क्योंकि हमारे बुक्स में से तो निकाल फेंक दिया इस चैप्टर को, मुगल मुगल एम्पायर ये वो वगैरह. क्योंकि आप सभी जानते हैं, जो भी जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं, एवरी वन नोज कि मुगल्स ने इंडिया में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, अगर हम देखें तो, किया है इन अ गुड वे ऑल्सो. कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू. तो ये अच्छा वाला पहलू है. ऐसे बहुत सारी जगह हैं इंडिया में जो कि मुगल एम्पायर के टाइम पे बने हैं. जैसे हमारे कश्मीर में ही अब बहुत सारी जगह हैं जो कि मुगल एम्पायर ने ही बनाए हैं. सो ऐसा कुछ है. बाकी और थोड़ा सा इस ताजमहल के बारे में मैं बताऊंगी कि क्या क्या है इसमें, मार्बल कौन सा. एक चीज़ आप लोग को बता दूं, ताजमहल को आप किसी भी साइड से देखोगे, लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ, सॉरी लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, कहीं से भी आप देखोगे या साउथ से, आपको सेम दिखेगा. क्योंकि इन्होंने चारों साइड सेम बनाया है. जैसे आप देख सकते हैं, पहले आपको मैंने ये वाला गेट दिखाया था, जहाँ पे वो मैंने आपको आयत दिखाई थी. उसके बाद अभी ये वाला गेट है, ये इस साइड है. बाकी आप दूसरी साइड से होगे, वहाँ पे भी सेम गेट है. लाइक इन्होंने चार गेट बनाए यहाँ पे, चार, और सेम टू सेम डिज़ाइन है चारों पे. इस बात को तो बहुत भी जानते हैं, ताजमहल को वाइट मार्बल से बनाया है और जो ताजमहल के इर्द गिर्द मस्जिद है, मकबरे और जैसे भी बनाई हुई है मोनूमेंट्स हैं, वो सारे रेड सैंड और रेड ईंट
ईंटों के बिट्स के ट्रिक्स से बनाए गए हैं। सो जैसे पहले मैंने कहा, चार दरवाजे हैं, चारों सेम हैं। और ताजमहल की अगर हम ईस्ट गेट से आए, तो अगर ईस्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो ताजमहल के लेफ्ट साइड में एक मस्जिद भी है, जमातगाह भी है। उसके अलावा हम लोग यहाँ से रेड फोर्ट भी देख सकते हैं, रेड फोर्ट इन द सेट आगरा फोर्ट राबिया शुट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, देखो देखो पूरी जा रहे अच्छे से देखते हुए जा रहे हैं। सो दिस इज़ द थिंग, आप लोगों को ये चीज़ बता दी, वाइट मार्बल और रेड ब्रिक्स यहाँ पे ज़्यादातर यूज किए गए थे। ऊपर तो हम जा नहीं रहे, ऊपर वाइए सर जहाँ पे मकबरा है, इस मोर दिन जब जाऊँगी बस खुदी एंड वेल फोटो वीडियो लाइक फॉर रील्स और समथिंग। सो दैट्स वाई मैं कभी और आऊँगी और अपने आगरा में ताजमहल। सो मैं बस ऐसे कुछ है बाकी का जो भी छोटे छोटे ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे अलार्म लग तो था ना क्या कर तो रहे क्या चल रहा चिबे 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 जाए ना सुम चुतों गए ना सुम चुबे कर तो साला सुम का उसका ना रिंसेन का तो। और एक बात ताजमहल के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं कि ताजमहल यमुना किनारे बसता है, और वो वाले स्पॉट पे हम जाने वाले थे बट हम गए नहीं। एक्चुअली हमें जाना था, हमें पता नहीं चला पहले तो, और अभी कुछ ऐसा है बहुत ज़्यादा धुंध है, जैसे आप देख पा रहे कुछ नहीं देख पा रहे जैसे, इसीलिए सोचा था कि वहाँ पे जाके भी फ़ोटो खिंचाएंगे, वहाँ से ताजमहल का भी वो अच्छा आता था, बट हम नहीं गए। वहाँ पर कुछ लोग हैं बट हम लोग वहाँ पर नहीं गए क्योंकि बस वाला कोहरा ही कोहरा है, बहुत ज़्यादा धुंध है जिस कारण हमारे फोटोज भी क्लियर नहीं आएंगे, और बहुत दूर भी अभी नहीं जाएंगे हम लोग, कभी और जाएंगे ज़रूर किसी और दिन जब मैं खुद फ़ोटो शूट के लिए आऊँगी यहाँ पे, कि मुझे करना है उस टाइम वहाँ भी जाके हम फोटो खींचेंगे। मैं एक बड़ा सा और प्यारा सा ड्रेस पहनूँगी, मेरा फ़ोन हैंग हो गया, और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी हालत बहुत ख़राब है। सुबह सुबह रात को लेट पहुंची ड्यूटी से 2 बजे, उसके बाद सुबह सुबह उठा के उठाया इन्होंने और मैं आ गई। सो गाइस आप लोगों को और एक चीज़ बतानी थी, मैंने जो मैं पहले TS में काम करती थी, आई हैव ड्रॉप दैट प्लेस, और अभी मैं किसी दूसरी जगह ज्वाइन किया है मैंने। सो आज इंशाल्लाह ताला आई विल शूट अ वीडियो फॉर यू ऑल, मेरे नेक्स्ट जॉब कहाँ पे है, क्या है चीज़ें वहाँ पे, क्या क्या है सहूलियतें, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी किस बारे में। हाँ ये होटल है, अब ये एक होटल है, पहले रेस्टोरेंट था, उससे पहले मैं होटल में काम कर रही थी फिर रेस्टोरेंट, अब दिस इज़ अगेन एन होटल बट नॉट इन 5-star होटल, बट हाँ बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, सारी चीज़ें मतलब हैं अवेलेबल। सो आई एम गोइंग टू शो यू दैट एंड ऑन व्हाट पोजीशन आई एम ओवर दैट, सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। अभी देखते क्या करना है समझ नहीं आ रहा। बाकी ताजमहल की भी आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री बता दी आज मैंने इस वीडियो में, आइंदा से भी ये कोशिश करूँगी कि मेरे वीडियो आपके लिए थोड़ा नॉलेजेबल रहे, कि आप चीज़ें देखने के साथ इंजॉय करने के साथ कुछ सीख भी जाए। हाँ ऑब्वियसली बात है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज होगी ताजमहल के बारे में, बट मेरे को देना था शुरुआत। गमला ना लग रहे थे करने के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। होपफुली आई थिंक यू विल एंजॉय दिस वीडियो।
बाकी मैंने अगर ताजमहल के बारे में कुछ भी गलत बोली हो तो मुझे माफ कर देना और कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना। बाय, खुदा हाफिज़।